الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه الترمذي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم معزز اور مکرم علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں
पर्दा नशीन मेरी माए और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने कुरान हकीम की दुआएं की शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी तमाम नबियों के सरदार आकाए नामदार ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो मुबारक अहादीस आप लोगों के सामने पढ़ी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मौके के मुनासबत से सही सही बातें कहने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह उम्मत का दर्द अता फरमाकर उम्मत तक सही इल्म पहुंचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मबऊस फरमाए गए। जमानिये जाहिलियत का दौर था, छोटी छोटी बातों पर कत्लो कितान पर बात पहुंच जाती थी। एक का ऊंट दूसरे ऊंट से पहले पानी पी लेता था तो नस्लों दर नस्ल तक लड़ाइयां चलती थी, कत्लो किताल करते थे और बाप दादा दुनिया से जाते थे तो अपने औलादों को और अपने पोतों को वसीयत करते थे कि इन कबाइल के साथ हमारी दुश्मनी है, आप उनसे बदला लेना। जमानिये जाहिलियत के दौर में नफरत की आग शौला मारती थी। जमानिये जाहिलियत के अंदर भाई भाई का दुश्मन बन जाता था, कबाइल कबाइल के दुश्मन बन जाते थे, लेकिन इन दुश्मनियों को मोहब्बतों में बदला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, रफ्ता रफ्ता तौर बतौर अतवार द अतवार आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अल्लाह के रसूल बड़े होते चले गए, अल्लाह के रसूल ने लोगों को ईमान समझाया, मोहब्बत की दावत दी, एकता की दावत दी और उम्मत को एक जोड़ने की दावत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानिये जाहिलियत के दौर में, ऐसे दौर में कोई बात सुनने वाला नहीं था, बात सुनाने को कहते थे तो कान में उंगलियां ढोंस देते थे, अल्लाह के रसूल हक की बात सुनाते थे तो लोग पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, मजनून कहते थे, यहां तक के रास्तों में कांटे बिछाए जाते थे, यहां तक के अल्लाह के रसूल को शहीद करने की नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह प्लानिंगें की जाती थी। अल्लाह के रसूल बड़े गमगीन होते थे, बड़े फिक्रमंद होते थे और रात को उठ उठ कर अल्लाह से कहते थे, अल्लाह
तेरे इन बंदों को मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, आज मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, या अल्लाह तू उनको हिदायत अता फरमा। जमानिए जाहिलियत के दौर में, आज तो मेरी बातें और आपकी बातें कोई बंदा सुनने वाला भी है, मेरी दावत और आपकी दावत कोई सुनने वाला भी है, ईमान का मुजाकरा करने वाले भी है, कुरान की तिलावत करने वाले भी है, मस्जिदों को आबाद करने वाले भी है, और एतकाफ में बैठने वाले भी है, दरसो तदरीस करने वाले भी है, वाज और तकरीर करने वाले भी है, अल्लाह के रास्ते में बिस्तर उठाकर चलने वाले भी है, लेकिन याद रखो उस जमाने जाहिलियत के दौर में जो अल्लाह के रसूल ने मिंबर रसूल से उम्मत को जोड़ा है, आज इस दौर की जरूरत है कि उम्मत आपस में बिक रही है, आपस में कट रही है, फिरका वारियत में, दुश्मनियों में और खानका खानदानों में बट रही है। इस दौर में भी जो अल्लाह के रसूल ने जमाने जाहिलियत में जो मेहनत की थी, घर घर जाकर ईमान की दावत देना, एक दूसरे को दिल को मिलाना और एक दूसरे को मिलाकर मोहब्बत की दावत देना, आज इस दौर में भी हमें इस बात की जरूरत है कि उम्मत को जोड़ने वाले बन जाए। बोलो इंशाअल्लाह। चंद महीनों पहले मैं अफ्रीका के सफर में था तो वहां ना इब्राहिम साहब पांडोर दामत बरकातुहु बहुत बड़े अल्लाह के वली है, जहां मेरी निकाह की मजलिस थी तो वहां भी बैठे हुए थे। ग्रीन जोन जोबक के अंदर बहुत बड़ा एक इलाका है, तो वहां इतने बड़े अल्लाह वाले मेरे निकाह में बैठे थे, तो मैंने कहा हजरत मैं निकाह नहीं पढ़ाता, आप पढ़ा दो। कहा नहीं बेटा आप ही पढ़ाओ, हम तो बूढ़े हो गए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। निकाह के बाद मैंने कहा हजरत कोई मुझे कोई नसीहत कर दे, थोड़ा ध्यान से सुनना, अल्लाह वाले लच्छेदार तकरीर नहीं करेंगे मेरी तरह, अल्लाह वाले घंटों घंटों तकरीर नहीं करेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों के दो अल्फाज इंसान के दिल को पलट कर रख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह वालों की सोहबत में जाकर बैठो, अल्लाह वालों की मजलिसों में जाकर बैठो, अल्लाह वाले बयान नहीं करेंगे, लच्छेदार तकरीर नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी नजर हमारे दिल पर ही पड़ जाती है, अल्लाह दिल की दुनिया को बदल देता है। कुरान में ये बात, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए लोगो तक्वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों की सोहबत में बैठो। आज तो बयानों में बैठना दूर हो चुका है, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना दूर हो चुका है, अब उसकी तफसीली बात नहीं करना है वरना मेरा वक्त हो जाएगा, असल मौजू पर मुझे आना है। तुम्हारा इब्राहिम साहब पांडोर दामत बरकातुहु ने मुझे कहा कि हजरत कोई मुझे नसीहत करे। हजरत ने कहा बेटा कैंची मत बनना, सुई बन जाना। क्या समझना है, कैंची बन जाना, कैंची मत बनना, सुई बन जाना। कैंची का काम होता है काटना, सुई का काम होता है बोलो जोर से जोड़ना। आज इंशाअल्लाह हम उम्मत में जोड़ने वाले बन जाए, बोलो इंशाअल्लाह। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जिस मिंबर रसूल से अल्लाह के रसूल ने लोगों को गले लगाया था, आज उसी मिंबर रसूल से बोलो उम्मत को तोड़ा जा रहा है। शायर क्या कहता है, किसी को परी नहीं कबीले का क्या बना, किसी को परी नहीं कबीले का क्या बना। उम्मत कहां जा रही है, उम्मत किस हाल में है, किसी को परी नहीं, किसी को परी नहीं कबीले का क्या बना, सब उस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन बना, सब कुर्सियों के लिए लड़ रहे, सब अपने नाम के लिए लड़ रहे, और सब मरो नाम ठीक जाए, मरी इज्जत बनी जाए, इज्जत देने वाला कौन है बोलो जोर से। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جسے چاہے اللہ بادشاہ کی کرسی دے, اللہ جسے چاہے بادشاہ کی کرسی سے اتار دے. ہم ووٹنگ کر کے نہیں لاتے, بٹھانے والی ذات کس کی ہے بولو دور سے؟ اللہ. اللہ کے رائے تم میرے ایمان والوں کو ستاؤ گے, تم میرے ایمان والے بندوں کو اور دنیا کے اندر پریشان کرو گے, تم تمہارا مکر کھیل لو. اللہ کہہ رہا ہے میں جب مکر کھیلنے پر آؤں گا تمہارا مکر کیا ہو جائے گا بولو گے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے دنیا کے بادشاہ ہو تم تمہارا مکر کھیلو, جب اللہ مکر کھیلنے پر آئے گا تو تمہارا مکر بولو بھائی مچھر کے معنی اڑ جائے. آج کتنے نوجوان لوگ یہ کہتے ہیں صاحب 2024 کے اندر الیکشن آئے گا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں ہوٹ ہے. قرآن کی ایک آیت مجھے اور آپ کو دلاسہ دیتی ہے, قرآن کی ایک آیت مجھے اور آپ کو ہمت دیتی ہے, طاقت دیتی ہے, حوصلہ افزائی کرتی ہے. جو آیت میرے نبی نے حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے مکہ مکرمہ میں اتاری تھی, آج وہی آیت میں اس امت کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا جاتا تھا آپ کو مٹا کر رہیں گے, جو کلمہ لے کر آئے وہ کلمے کو بھی مٹا کر رہیں گے, آپ کو بھی مٹا کر رہیں گے. اللہ کے رسول بڑے غمگین ہو گئے, فکر مند ہو گئے کہ اللہ یہ لوگ تو مجھے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں, غمگین نہ ہو, فکر نہ کریں, آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کی حفاظت کرنے والا بھی کون ہے بولو دور سے؟ اللہ. تو ہمیں بھی کس نے بھیجا ہے بولو دور سے؟ اللہ نے. تو ہماری حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ہمیں تو اس لیے پیدا کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے, اللہ کی دعوت دینے کے لیے, نبی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. اور جو اللہ کا ہو, جو اللہ کی دعوت دیتا ہو, تو بتاؤ زمین اور آسمان میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ مجھے اور آپ کو مٹا کر رہے گی؟ کوئی نہیں. اب آئیے قرآن پاک کی آیت سمجھا رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں فکر میں ہیں کہ لوگ مجھے مٹانے کی بات کر رہے ہیں, جو کلمہ لے کر آیا ہے اس کو بھی مٹانے کی بات کر رہے ہیں, تو جبرائیل امین علیہ السلام یہ اس وقت کی آیت قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے دلاسہ ہے. کیا ہے بولو دور سے؟ دلاسہ ہے, ہمت ہے, طاقت ہے, حوصلہ افزائی ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. حالات جتنے آتے ہیں انسان مٹتا نہیں ہے, حالات آنے کے بعد تو انسان مضبوط ہوتا ہے, اور حالات اس میں ہی آتے ہیں جسے اللہ تیار کرتا ہے, حالات اس میں ہی آتے ہیں جسے اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہو, حالات اس میں ہی آتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ بھائی کوئی کمال پیدا کیا. حسد کس پر کیا جاتا ہے کہ بھائی انا پائیں چھے تو مرا پائیں کیم نہیں, حسد اس پہ ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے چھن کر میرے پاس آ جاوے, اس کو کہتے ہیں بولو بھائی کیا بولو دور سے؟ حسد. تو یہی تو کفار مشرکین بھی اور آج کے دشمن بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دو, مسلمانوں کی مساجد کو مٹا دو, مسلمانوں کے مدرسے کو دہشت گرد کا اڈا بنا دو. لیکن یاد رکھو جتنی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں ہر روز ایک ایک مدرسہ بولو زمین پر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ جتنا بولو گے اتنا مسلمانوں وجود میں آئے گا, جتنا بول بولو گے تمہارے دل میں اتنا ایمان بیٹھے گا. آج ہمیں مٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, ہمیں تو عروج پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کا بولا بول بولا جاتا ہے,
किसका फोन बोला जाता है, किसका नाम लिया जाता है। अब जिसका नाम लिया जाता हो, जिसका बोल बोला जाता हो, तो समझ लो उसको फोकस किया जा रहा है, उसको तरक्की दी जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल को मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों कुफार मुशरिकीन भी यही कहते थे कि आपको मिटा कर रहेंगे, आपकी मस्जिद को तोड़ कर रहेंगे, आप जो कलमा लेकर आएंगे आए हैं उसको मिटा कर रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया चाहे ये कुफार मुशरिकीन जमीन पर फितना फसाद मचाते रहे, लड़ाई झगड़े करते रहे, प्लानिंग करते रहे, मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं ये 20-25 मिनट में, मैं आपको हौसला अफजाई करने के लिए आया हूं और आपको मुसलमानों ताकत देने के लिए आया हूं। ईमान वाला मिटने के लिए नहीं आया है दुनिया में, ईमान वालों तो ईमान फैलाने के लिए आया। बोलो इंशाअल्लाह। अब अजीजों मेरे प्यारों, कुफार मुशरिकीन प्लानिंग बनाते थे, अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह प्लानिंग कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब, ए मेरे मुसम्मिल और मेरे मुत्तसिर ताहा यासीन, आका ए नामदार ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिकर मन न हो, आप टेंशन न ले, आपको जिस अल्लाह ने कलमे को लेकर भेजा है और जिस अल्लाह ने आपको जमीन पर उतारा है, आज उसी अल्लाह तुम्हें बोलो भाई हिफाजत करने वाला है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं जब भी आपका दिल पसेमान हो जाए, जब भी आपका दिल टूट जाए, इस आयत को याद कर लेना, इस आयत को याद कर लेना, ताकत मिल जाएगी, हिम्मत मिल जाएगी, हौसला अफजाई हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में कह दिया يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون। चाहे कुफार मुशरिकीन प्लानिंग बनाते रहे और कलमे को और आपको मिटाने की बातें करते रहे, मैं वादा करता हूं जमीन और आसमानों का खुदा कि मैं आपको भी और जो कलमा लेकर मैंने भेजा है उसकी हिफाजत करने वाला कौन है, तो मिटा सके। 1444 साल गुजर गए, कलमे की दावत मिटी, आलिम मिटे, मस्जिदें मिटी, मदरसे मिटे, ना नहीं मिटे। जितनी आवाजें उठाई जाएगी इतना इंशाअल्लाह हम बुलंदियों पर चढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अजीजों मेरे प्यारो, आज हमें एक होकर रहना है। अल्लामा इकबाल कहते हैं इस वक्त भी एक न हो तो याद रखना हमारा हस्ती हस्ती नाम से मिटा दिया जाएगा कि हमारा नाम भी कोई दुनिया में था। जब एक नहीं होंगे, जब एक बनकर नहीं रहोगे, मुसलमानों दुश्मन आएगा और अपना काम करके चला जाएगा। कुरान में है जो आपसे ताल्लुक तो है, आखिरी बातें बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आगे बात करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जो आपसे दुश्मनी करे, जो आपसे नाता तोड़े, जो आपसे बातचीत बंद करे, आप उसके साथ ऐसा मामला बोलो जोर से न करो। एक रिवायत सुना देता हूँ अबू दाऊद शरीफ में, जहां इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा बाबू सलाम, उसके हाशिए में लिखा है कयामत की निशानी, उसमें सबसे पहली निशानी लिखी है कुर्बे कयामत से पहले पहले इंसानों के चेहरे को देख देख कर सलाम किया जाएगा। बोलो ठडू छे के नदी ठडू अनु काम छे के अस्सलाम वालेकुम काम नबी तू कौन है मैं कौन। कयामत की सबसे सबीरा सबसे पहली निशानी इंसानों के चेहरे को देख देख कर सलाम किया जाएगा। और सलाम तो एक दुआ है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफसुस सलामु बैनकुम, सलाम को आम करो। लेकिन हम तो ईद सलाम करते हैं, मतलब का सलाम, गरज का सलाम करते हैं, काम नहीं है, गरज नहीं है तो सलाम भी बोलो भाई नहीं। अब एक हदीस तिर्मिजी से सुनाता हूँ, सलाम करने पर अल्लाह ताला क्या इनाम देता है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन मुस्लिमैनी, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, मा मिन मुस्लिमैनी यल्तकियानी
فيتصافحاني إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं वो लोग जोर से मुलाकात मुसाफा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं दोनों के हाथ छूटने से पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश कर देता है। कितनी बड़ी सुन्नत मेरे और आपके बीच में से निकल चुकी है। अब कुरान में आओ फिर अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया जो आपसे नाता तोड़े जो आपसे दुश्मनी करे जो आपसे ताल्लुक को बिगाड़े आप उसके साथ ऐसा मामला न करो। कुरान पाक में है इदफा बिल्लती अहसन फइदा लजी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीयुन हबीब। जो आपसे दुश्मनी करे जो आपसे नाता तोड़े आप उसके साथ ऐसा मामला न करो। आप सामने से सलाम करो। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा तकब्बुर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सलाम में पहल करो। क्या करो बोलो जोर से। सलाम करने से पहल करने से तकब्बुर इंसान का टूटता है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का कौल है जब तकब्बुर हद से ज्यादा गुजर जाए तो पाखाने में चला जा टॉयलेट में चला जा और टॉयलेट में जाकर अपना पाखाना का दुख कि तेरी हैसियत क्या है तेरी हैसियत क्या है तेरे पेट में गंदगी भरी हुई है और किस चीज पर तू तकब्बुर कर रहा है। इसलिए आज हसद बुक्स अधावत दुश्मनी मारामारी आपस की फिरकावारियत ये चीजें आम हो चुकी है। ये बहुत हवा दे चुके हैं इसको हम लोग। एक बन जाओ बनोगे बोलो इंशाअल्लाह। सामने सलाम करने वाले को अल्लाह ताला बोलो भाई डबल नेकियां देता है। और सामने से माफ करना सामने से कोई आदमी माफी मांगता है वो कभी बेइज्जत नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सामने से माफी मांग लो अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए कल कयामत के दिन मुझे पकड़ लेना। बताओ आज उनके नामों से मारो नाक कपाई जाए तो उन्हें खबर ही मैंने हुक्की देनू छे मैं के बिना जवान हूं इन्हें जो तो मरापा है आवे। ये दुश्मनियां घर घर है। हसद मैं हमेशा अपने वाज़ और तकरीर में कहता हूं मेरे आपकी पहली मरतबा मुलाकात हुई रजिला वालों मैं हमेशा कहता हूं हमारे बाप दादाओं के पास कुछ नहीं था। हमारे बाप दादाओं के पास जो हमारे पास बैंक बैलेंस है ना उनके पास मुसलमानों लोग ने सोचा भी नहीं था कि उनके पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो इतने बड़े बड़े घर उन्होंने सोचे भी नहीं थे। जो नरम नरम गद्दों पर हम सो रहे हैं वो मुसलमान वो गोदरियों पर सोते थे। इतने बड़े बड़े मकान में वो लोग नहीं रहते थे वो दाल और रोटी खाते थे लेकिन मुसलमानों उनके दिलों के अंदर मोहब्बतें भरी हुई थी। क्या थी बोलो दौर से मोहब्बतें थी। बड़े दर्द दिल के साथ बड़े दिल के दुखरे के साथ कहता हूं आज हमारे पास सब कुछ है तमाम फैसिलिटियां हैं लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर दूसरे भाई की मोहब्बत नहीं है। उस वक्त जबान बड़ी मीठी मुनाफिक जैसे काम हमने शुरू कर दिए हैं जबान बड़ी मीठी शहद से ज्यादा मीठी बन चुकी बना दी है लेकिन दिल के अंदर ऐसा भेड़िया बिठाया है कब मौका मिले इसको बेइज्जत कर कब मौका मिले इसको बेइज्जत किया जाए। लोग मौके की तलाश में रहते हैं और साहब आजे मौको मिलो आजे तो नहीं औकात बटा नहीं देना कहते कि नहीं कहते। आज ये चीजें जब दिल अल्लाह मुसलमानों सामने बकरा हिला रही है मैं उसमें से आयत बता देता हूं अल्लाह न तुम्हारे चेहरे को देखेगा न तुम्हारे लिबास को देखेगा न तुम्हारे बूट को देखेगा न तुम्हारे गोगल्स चश्मे को देखेगा। अल्लाह को क्या देखेगा बोलो जोर से। इसलिए कुरान में कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करो तो किसके लिए करो बोलो जोर से। लेकिन बकरो लावे तो घोसा है वो बकरो लाए वो 50,000 रुपए में लाखों लावा ये इतने का जानवर लाया तो मैं इतने का जानवर लाऊंगा। कुरान में है लयना लल्लाह का लुहूमा वला दिमागुमा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह के यहां तो बड़ा गोश पहुंचता है ना खून पहुंचता है अल्लाह के यहां तो तुम्हारा
तकवा तुम्हारे दिल में किया है वो पहुंचता है इंशाल्लाह। बाकी बातें अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी तो दूसरी मुलाकात पर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको आपसों में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन। वापस मुलाकात होगी तो यही आयत यही हदीस पढ़ूंगा और इंशाल्लाह आगे बात चलाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमावे, निजात का जरिया बनाए, अल्लाह उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बनाए और ये बात अल्लाह दुनिया के कोई भी कोने में पहुंचाए अल्लाह सब के लिए हिदायत का जरिया बनावे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लो।